लुक एकदम काफी अलग लग रहा है, शिव भगवान बने हुए हैं, कुछ बताएंगे? हाँ बताएंगे, इसलिए कि ये शिव भगवान एक वो श्रृंखला की एक मजबूत कड़ी है, जहाँ मैंने मेहंदी लगा के रखना से वो श्रृंखला की शुरुआत की थी, तो वहाँ से जो मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आई थी एज ए पर्सन, या मेरे करियर में जो एक बदलाव आया था, तो मुझे लगता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स करते रहो, उसी में एक एक्टर को खुश रखा जा सकता है। मैं एज ए पर्सन, एज ए कलाकार मैं बहुत फिल्मों में खुश हो सकता हूँ, लेकिन एक करियर वाइज और एक कैरेक्टर में जहाँ खुश होता है, तो वैसी फिल्मों में एक है डमरू, और डमरू नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है। हर कलाकार के लिए उसकी हर फिल्म अच्छी होती है, लेकिन मेरे लिए हर फिल्म अच्छी नहीं होती है। चंद फिल्में हैं जो दिल के बड़े करीब होती है, उसमें यह है। और उसके बाद इसमें जो कहानी है वो बिहार के जन जन में समाहित ये कहानी है। ये विद्यापति और उगना की एक कहानी थी, जो उगना जो भगवान शिव के रूप थे, वो धरती पर विद्यापति उनके भक्त थे, उनके लिए अवतरित हुए थे। कुछ हद तक वो रूपरेखा ली गई है इस फिल्म में भी। आधुनिक परिवेश में मनोरंजन के साथ उस फिल्म को बनाना, कहानी समझिए पृष्ठभूमि वही है, लेकिन आज के परिवेश में उसको इंटरटेनिंग करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था, जो रजनीश मिश्रा जी ने इसको बहुत भलीभांति निभाया है। और आज बड़े खुश हूँ मैं, बहुत प्राउड हो रहा है कि मैं ऐसी फिल्मों का हिस्सा हूँ। और नो डाउट बहुत अच्छी फिल्म है, खेसारी जी का अद्भुत परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा डायरेक्शन, बहुत अच्छा संगीत इसके बहुत अच्छे हैं, और मैं तो हूँ ही भगवान शंकर के रूप में, हमारे दर्शक मुझे देखेंगे। एक खलनायक से सीधा शंकर तक बन जाना, ये सब दर्शकों का ही प्यार है जो मुझे यहाँ तक की दूरी तय कर दी गई। बस शुक्रगुजार हूँ अपने दर्शकों का, और न जाने आगे क्या क्या किरदार में मैं नज़र आऊँगा, ये मुझे भी नहीं मालूम है। नहीं, ये देखिए कैरेक्टर्स कोई हो तो कर लेना चाहिए। जैसे कोई लाउड कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ही अपने आप में लाउड होता है, लेकिन ये कैरेक्टर एक भगवान बनना बड़ा रिस्की जोन है। भगवान में आप एक दायरे में, एक फ्रेम में आप बन जाते हैं, जहाँ ना बहुत उतार होता है ना बहुत चढ़ाव होता है, वही सिस्टम, एक लाइन में चलते रहना है। ये बड़ा चैलेंजेबल कैरेक्टर होता है, लेकिन ये बड़े बढ़िया से भली भांति निभा दिया गया, या ऊपर वाले ने ऐसा कुछ वरदान दिया था कि हो गया, जो देख करके मज़ा आता है। और डर तो था कि एक भगवान बन जाना अपने आप में, भोलेनाथ ने मेरे अंदर बहुत परिवर्तन मिला दिया। मैं नॉनवेज छोड़ दिया नशा करता था वो छोड़ दिया इस फिल्म के बाद, तो मुझे लगा कि एक ऐसा किरदार जी रहे हैं जिसकी पूरी दुनिया है, पूरा सृष्टि ही भगवान शिव का है, तो कम से कम उस किरदार का थोड़ा सा अंश मेरे अंदर आया होगा उस पल के लिए, तो एक अलग ही बदलाव आ जाता है जिस्चर में, मेरे में तो आया है, पता नहीं लोगों में आता है कि नहीं आता है। तो मैं बड़ा खुश हूँ, और मुझे उम्मीद है, बड़ी उम्मीद है, बहुत अच्छे दाम में फिल्म बिकी हुई है, बड़ी उम्मीद है कि अभी जो क्राइसिस चल रहा है फिल्मों के बिजनेस का, उस क्राइसिस को ये दूर करे ये फिल्म, और निश्चित तौर पे ये फिल्म दूर करने जा रही है। अच्छा, ट्रेलर में जैसे एक बहुत भोला रूप आपका भी देखा जा रहा है, और एक तांडव वाला रूप देखा जा रहा है, तो तांडव किया है उसके लिए कोई प्रिपरेशन किया आपने? कोई प्रिपरेशन नहीं था, और ये तो बड़ा चमत्कार था, ये भगवान शंकर का तांडव करना, ये बहुत बड़ा चमत्कार था। बड़े बड़े डांसर को भी करने में हालत बिगड़ जाती है, लेकिन पता नहीं क्यों, कैसे और कब हो गया ये। मैं डांसर नहीं हूँ, मैं इस धरती का सबसे बुरा डांसर हूँ, मतलब हूँ ही नहीं मैं, लेकिन मुझे मेरे से वो डांस हो जाए ये सोच नहीं सकता था मैं, अविश्वसनीय चीज़ था, पता नहीं कैसे हुआ, ये सब भोलेनाथ की कृपा है, मेरे वश में कुछ नहीं है, हो गया, लेकिन बड़ा अच्छा हुआ है। मैं भी देख के अचंभित हूँ कि ये मेरे से हुआ है, ये विश्वास नहीं होता है, लेकिन हो गया। हाँ, आमतौर पर वो बड़े प्यारे हैं मेरे, उनसे अच्छे अच्छे रिश्ते ही बनते चले जा रहे हैं। एक में पिता था मैं उनका, एक में उनका भाई था, विलेन भी था बीच में, और फिर अभी भगवान शंकर वो मेरे भक्त बने हैं, तो सेट पे उनके साथ केमिस्ट्री भी बड़ी अच्छी रहती है, यही भक्ति भाव रहता था सेट। थैंक यू।